हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनम। आज हम लोग एन टाइप सेमीकंडक्टर में फर्मी लेवल को डिस्कस करेंगे। इससे लास्ट वीडियो में हमने इंटीसिक सेमीकंडक्टर में फर्मी लेवल को डिस्कस किया था। तो जो एन टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन किसके इक्वल होती है? अप्रोक्सीमेटली डोनर कंसंट्रेशन के। तो एन इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन का हमने बताया था कि क्या होता है, एन सी ई की पावर। लास्ट वीडियो हमने ये सब डिस्कस किया, यहाँ स्मॉल ई है, ठीक है, ये बड़ा लिखा है, ई की पावर माइनस ई सी माइनस ई एफ अपॉन के टी, अप्रोक्सीमेटली इक्वल किसके? डोनर कंसेंट्रेशन के। लास्ट वीडियो हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी कि ई सी क्या होती है, एनर्जी एट द एज ऑफ कंडक्शन बैंड, ये फर्मी एनर्जी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले आप लोग वो वीडियो देख लें तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। और अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रही है तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए आगे बढ़ते हैं। अगर यहाँ से हम एन सी अपॉन एन डी निकालना है तो एन सी अपॉन एन डी क्या हो जाएगा, ये यहाँ भी स्मॉल है, ई की पावर ई सी माइनस ई एफ अपॉन के टी। हमने दोनों साइड लॉग ले लिया, लॉग लेके हमने ई एफ की वैल्यू फाइंड कर दी, यानी कि फर्मी एनर्जी की वैल्यू हमने फाइंड की। तो फर्मी एनर्जी की वैल्यू है ई सी माइनस के टी लॉग ई एन सी अपॉन एन डी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा इस पर बेस्ड बहुत क्वेश्चन आते हैं और यहीं से आप सारी एनालिसिस करोगे इसके आगे की, इसका मेन जो कॉन्सेप्ट है पूरा आप यहीं से समझोगे। अब देखो, इसमें फर्मी एनर्जी की वैल्यू किस किस पे डिपेंड कर रही है, आप किसको जीरो कर सकते हो, ठीक है, किसकी वैल्यू बढ़ा सकते हो घटा सकते हो, सारी एनालिसिस हम इसी से स्टार्ट करते हैं। चलो सबसे पहले फर्स्ट केस लेते हैं हम, जब टेम्परेचर हमारा कितना है, जीरो केल्विन, ठीक है। अगर हम इसमें टेम्परेचर हमारा जीरो केल्विन है, यानी कि अगर हम यहाँ पर टी की वैल्यू जीरो कर दें तो हमारा ये वाला ओवरऑल टर्म कितना हो जाएगा, जीरो। अगर ये वाला टर्म हमारा जीरो हो गया, इसका मतलब क्या है, फर्मी एनर्जी किसके बराबर होगी, ई सी, यानी कि एट एनर्जी एट द एज ऑफ द कंडक्शन बैंड, यानी कि ई एफ किसके बराबर होगी, ई सी, यानी कि फर्मी लेवल है वो ई सी यानी कि एज ऑफ द कंडक्शन बैंड ई सी पे कोइंसाइड करेगी, ई सी के साथ कोइंसाइड करेगी। अब जीरो केल्विन पे क्या होता है कि कैरियर कंसेंट्रेशन तो अवेलेबल होते नहीं, क्योंकि जो परफेक्ट कोवेलेंट बॉन्डिंग में होते हैं इलेक्ट्रॉन और होल पेयर टूटे नहीं होते, अलग नहीं होते। तो जब इलेक्ट्रॉन और होल पेयर जनरेट नहीं होते, सॉरी, ठीक है, जनरेट नहीं होते हैं, तब तक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कैरियर कंसेंट्रेशन अवेलेबल नहीं होते। जब कैरियर कंसेंट्रेशन अवेलेबल नहीं होते तो यहाँ पे जो एन टाइप सेमीकंडक्टर होगा किसकी तरह काम करेगा, इंसुलेटर की तरह। तो इसे जब जीरो है, कोई कैरियर कंसेंट्रेशन अवेलेबल नहीं है, तो हम यहाँ पर ये जो डिनोट करते हैं ये इस पे करते हैं, ठीक है, एज पे। ये तो यहाँ पे कोइंसाइड कर रही है बैलेंस बैंड में, ये यहाँ पर, क्योंकि अभी इससे हम जैसे जैसे आगे बढ़ाते जाएंगे वो एरिया बताता जाएगा कि इलेक्ट्रॉन कंसेंट्रेशन कितनी है। तो अब हमने मान लिया इसका टेम्परेचर हमने बढ़ाया, ठीक है, अभी तो जीरो केल्विन था, हमने टेम्परेचर बढ़ाया, अब टेम्परेचर हमने बढ़ाना स्टार्ट किया, तो जो कंडक्शन बैंड के नीचे एनर्जी लेवल होती है वो कैसी होती है, डोनर एनर्जी लेवल। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो किसी एक इंटरमीडिएट टेम्परेचर पे हमारी जो फर्मी लेवल है वो डोनर एनर्जी लेवल को क्रॉस करेगी। अब देखो हमारी फर्मी एनर्जी लेवल कैसे बढ़ रही है, कैसे नीचे आ रही है, जैसे जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ाया। अब हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो यहाँ पे पहले टेम्परेचर की वैल्यू जीरो हो गई थी, अब यहाँ पर टेम्परेचर की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, ठीक है, कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, वो इसमें से क्या ई सी में से माइनस होगी। तो ई सी में से माइनस होगी तो हमारी फर्मी लेवल क्या नीचे शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। अब मान लो पहले हमने 300 केल्विन पे मान लो ई सी माइनस 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक, जब 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर हमने यहाँ पे 0.2 आया पहले इसी में से माइनस 0.2, तो जितना जितना माइनस होता जाएगा उतना ये हमारी जो एनर्जी लेवल है वो क्या नीचे शिफ्ट होती जाएगी, उतनी ही नीचे शिफ्ट होती जाएगी। तो इसका मतलब है ये हमारी जो एनर्जी लेवल है ई एफ वो किधर, सेंटर की तरफ मूव कर रही है। और सेंटर पर हमने किसका बताया था लास्ट वीडियो में, इंटरेस्टिंग सेमी कंडक्टर की एनर्जी फर्मी एनर्जी लेवल लाई करती है। तो जब सेंटर की तरफ मूव कर रहेगी, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, यानी कि कंडक्शन बैंड से दूर जा रही है, ठीक, और सेंटर की तरफ बढ़ रही है। अगर सब सेंटर की तरफ बढ़ रही है तो क्या होगा, जो इंटरेस्टिंग सेमी कंडक्टर होते हैं उसकी कनेक्टिविटी क्या होती है, जीरो होती है लगभग, मतलब बहुत कम होती है। तो इसके जैसे इसकी तरफ कंडक्शन बैंड से दूर जाती जाएगी और सेंटर की तरफ बढ़ती जाएगी तो इससे इसकी एंटायर सेमी कंडक्टर की कनेक्टिविटी क्या होगी, कम होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। ये टेम्परेचर के साथ इसके एनालिसिस हो गया। अब जैसे जैसे हम, ये हमारा था इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन था ई की पावर ई सी माइनस ई एफ अपॉन के टी, ठीक, अब हमें टेम्परेचर तो बढ़ाते ही जा रहे हैं, ठीक, जो हमारा प्योर सेमीकंडक्टर था इंटरेस्टिंग सेमीकंडक्टर, उसमें जो हमारी फर्मी लेवल थी वो कहाँ, सेंटर पे लाई कर रही थी यहाँ पर। अब ये फर्मी लेवल जो एन टाइप सेमीकंडक्टर वो कहाँ पर शिफ्ट हो गई, ये ई सी है मान लो, तो ई सी के पास, ई सी के पास शिफ्ट हो गई, ऊपर शिफ्ट हो गई ई एफ, और ये इंटरेस्टिंग सेमीकंडक्टर में यहाँ पर लाई कर रही थी ई एफ, और
ई भी क्या है, वोल्ट का बैलेंस बन गई, एनर्जी एट द एज ऑफ बैलेंस बन। अब ये जब ऊपर शिफ्ट होगी तो ईसी और ईएफ के बीच का गैप कम हो गया, लेकिन ईएफ और ईवी के बीच का गैप बढ़ गया। ईसी माइनस ईएफ के बीच का गैप कम हो गया, तो ये ओवरऑल नेगेटिव में है, ठीक है। तो ओवरऑल वैल्यू क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की बढ़ जाएगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन की कंसेंट्रेशन अब बढ़ जाएगी, लेकिन ईएफ और ईवी के बीच का गैप बढ़ गया। और होल की कंसेंट्रेशन क्या होती है, एनसी की जगह एनवी, एनसी की जगह क्या होती है एनवी, और ई की पावर माइनस ईएफ माइनस ईवी होता है, ठीक। तो ई एफ माइनस ई भी बढ़ गया, तो ओवरऑल टर्म कम हो जाएगी, यानी कि होल की कंसेंट्रेशन कम हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगी। ये देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कंसेंट्रेशन इसलिए हमने यहाँ दिखाया बढ़ जाएगी, होल की कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगी कम। अगर कोई एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन ही हो सकता है आपको ऑब्जेक्टिव में दे दिया जाए कि ये किस टाइप का सेमी कंडक्टर है, तो आप देखते ही समझ जाओगे इसमें इलेक्ट्रॉन कंसेंट्रेशन ज्यादा है, कैसा एन टाइप का सेमी कंडक्टर। ये जो एरिया है वो रिप्रेजेंट करता है कि कंसेंट्रेशन किसकी ज्यादा है। देखो यहाँ पर एरिया कम है, इसका मतलब क्या है, होल की कंसेंट्रेशन कम है और इलेक्ट्रॉन की कंसेंट्रेशन ज्यादा है। अब हम थर्ड केस डिस्कस करते हैं। थर्ड केस ये हम डिस्कस कर चुके हैं, वही है कि जैसे टेम्परेचर हमने और ज्यादा बढ़ाया, ठीक, और ज्यादा बढ़ाएंगे तो ये और ज्यादा सेंटर की तरफ मूव करेगी और कंडक्शन बैंड से और ज्यादा दूर जाती जाएगी। अब मान लो हमने डोपिंग बढ़ाना स्टार्ट की, जैसे हमने डोपिंग बढ़ाना स्टार्ट की, जैसे मतलब नॉर्मली तो एनसी की वैल्यू कम ही होती है एनडी से, लेकिन जब हमने डोपिंग और ज्यादा बहुत ज्यादा बढ़ाई तो एनडी की वैल्यू क्या होगी, बढ़ जाएगी। अब इस केस में क्या होगा, जब एनडी की वैल्यू बहुत, यानी कि डोनर कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। आप अपने फॉर्मूले से देखो, देखो यहाँ पर देखो एनडी की वैल्यू बढ़ गई, एनडी की वैल्यू बढ़ी तो एनसी अपॉन एनडी, ये डिनोमिनेटर की वैल्यू ज्यादा होगी तो ओवरऑल वन से कम हो जाएगा। जब लॉग ए की वैल्यू वन से कम होगी तो ये टर्म क्या नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव मिलकर क्या होगा पॉजिटिव, यानी कि ईसी में ये ऐड हो जाएगा। जब फर्मी लेवल ईसी में ऐड हो रही है, यानी कि एनर्जी एट द एज ऑफ कंडक्शन बैंड ऐड हो रही है, तो फर्मी लेवल किधर शिफ्ट करेगी, अब फर्मी लेवल कंडक्शन बैंड की तरफ शिफ्ट करेगी। जैसे जैसे जितनी डोनर एनडी की वैल्यू बढ़ती जाएगी उतना ही कंडक्शन बैंड की तरफ शिफ्ट करेगी। अगर हमने डोनर कंसेंट्रेशन एनडी बहुत ज्यादा बढ़ा दी तो एक कंसीजन आ जाएगी कि जो हमारी फर्मी लेवल होगी वो कंडक्शन बैंड में ही शिफ्ट कर जाएगी। तो अब हम बोलते हैं वो सेमी कंडक्टर कैसा होगा, वो डीजेनरेट सेमी कंडक्टर होगा। कैसा होगा, डीजेनरेट सेमी कंडक्टर, जो नॉर्मल सेमी कंडक्टर होंगे उसमें बाहरी होगी। तो बस यही है, जब डोपिंग कंसेंट्रेशन ज्यादा बढ़ाएंगे तो ये किधर लाई करने लगे, किधर लाई करने लगेगी उसके अंदर, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं तब उसके अंदर नहीं, तो ये जैसे जैसे डोनर कंसेंट्रेशन बढ़ाएंगे तो हमारी फर्मी एनर्जी लेवल कंडक्शन बैंड की तरफ शिफ्ट करेगी, यानी कि सेंटर से दूर जाने लगेगी। और जो शिफ्ट होती है वो कितनी होती है, शिफ्ट होती है के टी लॉग ई एन डी अपॉन एन आई। एन डी को हम एन के बराबर भी लिख सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन कंसेंट्रेशन एन टाइप सेमी कंडक्टर में एन डी के इक्वल होता है। तो ये हमारा हुआ एन टाइप सेमी कंडक्टर में फर्मी लेवल। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पी टाइप सेमी कंडक्टर में फर्मी लेवल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और पढ़ते रहिए, अपने सपनों को जिंदा रखिए। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।